OIC वुज़रा खारजा कौंसिल का 17वां इजलास इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ, जिसकी मेज़बानी इस्लामी दुनिया के अहम तरीन मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सर अंजाम दी। OIC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक का इतिहाद समझा जाता है। इस तंजीम को बनाने में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। माजी में OIC के ज़ेरे साया ही मुसलमान ममालिक ने तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से आलमी ताकतें शदीद दबाव का शिकार हो गई थीं। लेकिन बाद अज़ाज़ुल्फ़क़ार अली भुट्टो की फांसी, मामर कजाफी और शाह फैसल के कत्ल और सद्दाम हुसैन की फांसी ने OIC तंजीम को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया था। OIC तंजीम के इतिहाद को सबसे बड़ा धचका ईरान और सऊदी अरब के बाहमी तनाज़े ने पहुंचाया, जिसके बाद तंजीम बिल्कुल मफलूज होकर रह गई और आलमी सतह पर अपनी अफादियत खो बैठी। OIC के गैर फाल होने की वजह से उम्मत मुसलमान ना सिर्फ कमज़ोर होती चली गई बल्कि मुसलमानों के दरमियान तनाज़ात भी शिद्दत इख्तियार करते चले गए। पिछले 10 सालों के दौरान तुर्की, सऊदी अरब और ईरान जैसे तीन बड़े ताकतवर इस्लामी मुल्कों के दरमियान सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई कि सूरत हाल जंग तक पहुँच गई। लेकिन इन तमाम मौका पर इस्लामी दुनिया की वाहद एटमी पावर पाकिस्तान ने इन तीनों इस्लामी ममालिक के दरमियान बर वक्त और मौसर सालसी का किरदार अदा करके जंग के खतरे को टाल दिया। दुनिया में ताकत और मईशत के तेजी से बदलते हुए मंजरनामे के सबब पाकिस्तान इस वक्त बहुत मोहतात नजर आता है। इस वक्त पाकिस्तान का झुकाव अमरीका की बजाय रूस और चाइना की तरफ, जबकि रूस का झुकाव इंडिया के बजाय पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इमरान खान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का अमरीका और भारत के साथ हर किस्म का राबता और मुज़ाकरात मुनक़ता हैं, जबकि माजी में पाकिस्तान अमरीका के बहुत से मुतालबात पूरे करता आया है और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमरीका का सबसे अव्वल का इतिहादी था। लेकिन इमरान खान हुकूमत आने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान दूरियां बढ़ती चली गईं और आखिरकार पाकिस्तान ने चाइना और रूस समेत दुनिया के अंदर एक नया ब्लॉक तश्कील देने का फैसला किया। इस्लामाबाद में कमोबेश 56 इस्लामी ममालिक के मंदूबीन और वज़राए खारजा का OIC के इजलास में शिरकत करना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान उम्मते मुसलमा की बाग दौड़ अपने हाथ में लेता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ तमाम इस्लामी ममालिक को इस्लामाबाद में इकट्ठा करके एक तो आलमी तन्हाई से बच गया है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल का बोझ भी तमाम मुसलमान मुल्कों के अंदर तकसीम हो गया है और ये बोझ अकेले पाकिस्तान पर नहीं पड़ा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान एक साथ 56 इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके रूस और चाइना के लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि अगर रूस और चाइना मिडल ईस्ट की मंडियों और तेल तक रसाई हासिल कर लेते हैं तो फिर उनके लिए यूरोप और अमेरिका का मुकाबला करना कदरे आसान हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क्यादत संभालने के ख्वाब भी देख रहा है। OIC कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वजीरे आजम इमरान खान की तकरीर बहुत तजूब मायनी थी। इजलास का बज़ाहिर तो एजेंडा अफगानिस्तान था, लेकिन वजीरे आजम इमरान खान ने इस दौरान इशारा किया कि कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमान हमारी तरफ देख रहे हैं, जिस पर अब मजीद सबर नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने नामूसे रिसालत के मामले को एक बार फिर आलमी बरादरी के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि गुस्ताखी जैसे मामलात नाकाबले बर्दाश्त हैं। OIC का इस्लामाबाद में इजलास यकीनन पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है, जबकि इमरान खान इस्लामी दुनिया के अंदर एक मकबूल तरीन लीडर बनकर उभरे हैं। लेकिन देखना इस बात को है कि पाकिस्तान की इस कामयाबी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका उठाएगा या कि रूस और चाइना।